आजमगढ़ विधान परिषद सदस्य चुने जाने पर जनपद के प्रथम आगमन पर विधान परिषद सदस्य शाह आलम गुर्दू जमाली का नेताओं व कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई दी और लोकसभा लालगंज सपा प्रत्याशी घोषित होने पर दरोगा प्रसाद सरोज का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि गुर्दू जमाली को एमएलसी चुने जाने पर व दरोगा प्रसाद सरोज को प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी को मजबूती मिली है। नवनियुक्त प्रदेश सचिव राधेश्याम सैनी का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार से तंग आकर जनता PDA की सरकार बनाने जा रही है, जिससे संविधान व लोकतंत्र की रक्षा हो सके। विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुर्दू जमाली ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई दी और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत का बीज बोकर जनता के हक और अधिकार पर डाका डालने का काम कर रही है। देश में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित, पिछड़े, महिला, अल्पसंख्यक, मुसलमानों व शोषित, पीड़ितों, वंचितों की घोर विरोधी है। ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है, जिससे मानव मात्र का कल्याण हो सके और जनता को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुझ पर जिम्मेदारी दी है, उसे मैं सूद सहित वापस करने का प्रयास करूंगा और पार्टी को आजमगढ़ में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में मजबूत कर जीत दिलाने का काम करूंगा। एक बार फिर सपा में जी क्या कहना है? बहुत तरीके की बातें थी सर, इधर भी देखिएगा। नहीं, बातें तो आप भी जानते हैं, लेकिन ये है कि मैं दिल दिमाग से सपा में आया हूँ। मेरी राष्ट्रीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो वार्ता हुई दोबारा दूसरे क्रम में, उससे मैं मेरी आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट है। हम लोग मिलजुल करके PDA के फार्मूले पे काम करेंगे और इसको ताकत देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, हम लोग मिलजुल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो एक सोच है, थॉट है PDA की, हम लोग उसको ताकत देंगे, जहाँ तक हम लोगों का बस चलेगा उसको मजबूत करेंगे। जवाली साहब, आपके ऊपर जिस तरीके की बातें आ रही है कि आप आजमगढ़ ही नहीं, पूर्वांचल ही, पूरे प्रदेश में मुस्लिम चेहरे के रूप में एक बड़े नेता हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती आपको, इसको कैसे एकजुट कर रहे हैं? देखिए, ये तो मैंने तो कभी कहा नहीं कि मैं बड़ा नेता हूँ। ये तो आप जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, चाहे वो अच्छे में या बुरे में कहते रहते। देखो, मैं एक बात कहूँ बहुत ईमानदारी से, मैं किसी तरह की गलतफहमी नहीं पालता कि मैं बड़ा नेता हूँ और ये हूँ, मैं आने से हिमालय पर्वत पलट दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम जो भी हैं और हमारी जो भी क्षमता है, पूरी ईमानदारी से हम अपने नेता के साथ खड़े हैं और उनको मजबूत करेंगे। जिस तरीके से बातें आई कि पूर्वांचल ही नहीं, आजमगढ़ को जोड़ा गया, लेकिन एक जमाली साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि कभी बसपा का दामन भी पकड़ लिए तो सहजता से, कभी AIM का पकड़ लिए और आपको समाजवादी का भी पकड़ लिए, तो ऐसा क्या आपके अंदर है कि आपको सब लोग लुभा जाते हैं, आप सबको लुभा लेते हैं? नहीं, देखिए, सच जो है उस तो सच ही है। मेरा जन्म तो राजनीतिक बसपा में ही हुआ और मैंने कभी कोई ये भी नहीं कहा कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं माननीय बहन जी का एहसानमंद हूं कि उन्होंने मुझे एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया और वहां से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन देखिए, हम ईमानदारी से बात करने में बिलीव करते हैं, हम बहुत राजनीतिक आदमी भी नहीं हैं। आज मुझे ये वक्त की ज़रूरत लगती है। हमारे जैसे लोग, मैं नेता बाद में हूँ, पहले एक सोशल वर्कर हूँ। आज मेरी ये थॉट है कि आज वक्त की ये ज़रूरत है कि हम सब मिल करके सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करें और इस प्रदेश में विपक्ष के रूप में अगर कोई खड़ा है और लड़ रहा है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तो मुझे ये अपना एक नैतिक जिम्मेदारी भी लगती है कि हमारे जैसे लोगों को उनके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, उनको ताकत देना चाहिए। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री जी की रैली भी होगी। देखिए, ऐसा है, यहाँ मैं उन सब बातों पर बात नहीं करना चाहता। मैं उस दल को छोड़ के आया हूँ तो उसकी एक गरिमा भी है। मैं अपने पुराने मैं आज मैं सपाई की हैसियत से यहाँ बात कर रहा हूँ,
मैंने दिल दिमाग से सपा में को ज्वाइन कर लिया, इसलिए मुझसे जो बात करना हो सपा से रिलेटेड मौजूदा सिचुएशन के बारे में, आज की राजनीति के बारे में आप बात कर लिए, पुराने दल के बारे में प्लीज़ मुझसे बात ना करें। यस यस ऑफ कोर्स नहीं है, क्यों नहीं, सारे लोग हैं, जो भी समाज के अच्छी सोच समझ के लोग हैं वो सब हैं, हमारे यहाँ छत्री भाई भी है, ब्राह्मण भाई भी है, सारे लोग हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो समाज का कमज़ोर तबका है, जो कहीं ना कहीं जातिगत आधार पे या आर्थिक आधार पे, इन आधारों पे जिसका तुष्टिकरण या जिनको जुल्म जातियों का शिकार है, उसके लिए एक फोरम बना के सभी लोग लड़ेंगे, उसमें हमारा छत्री भाई सबसे पहले लड़ेगा, ब्राह्मण सबसे पहले लड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि हब और आप सिर्फ लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री हैं वो देश के, जहाँ चाहे रैली करें, उसमें हम कौन होते हैं उनको टीका टिप्पणी करने वाले। भैया देखो, ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी की व्यवस्था है, यहाँ जो चाहे जहाँ जाके रैली करें। मान कल हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात में जाके रैली करना चाहेंगे तो उनको तो कोई रोकेगा नहीं, ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो जहाँ चाहे करे। लोकसभा का चुनाव है और समाजवादी पार्टी लोकतंत्र है, संविधान है, क्या मुद्दे हैं? यही तो मेन मुद्दे हैं, ये क्यों आप कह रहे हैं कि ये क्या मुद्दे हैं, यही तो मेन मुद्दे हैं और इसी बात की जंग है। चलिए जमाल साहब, लास्ट में होगा कि 24 को लेकर जिस तरीके का समीकरण बनाया जा रहा है उस पे आपकी क्या रणनीति है, या आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कुछ हम बहुत की होंगी, कुछ बाहर की होंगी? नहीं नहीं, मैं बहुत प्लेनली आपको एक सवाल, आपके सवाल का जवाब दे दूँ। देखो, आजमगढ़ में तो कोई लड़ाई रहेगी नहीं, बात कोई कुछ भी करे, आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी आज ये दिन, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा आप, और अच्छे बड़े मार्जिन से जीतेगी। और सिर्फ हम समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की बात नहीं करते, बल्कि पूरे प्रदेश में आप देखिएगा एक क्रांति आएगी। लोग सही असेसमेंट ज़मीन पे नहीं कर रहे हैं, ये जो फ्रंट बना है ये बड़े पैमाने पे बड़ी लंबी सीटें जीत करके आएगा। मैं ये नहीं कहता, अब जैसे हमारे दूसरे भाई कहते हैं कि हम 80-80 जीत लेंगे, तो मैं इस तरह का दावा नहीं करता, लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि ऐसे नतीजे आएंगे जिसकी हम आप शायद उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। कल जारी हुई, लेकिन आजमगढ़ से खुलासा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि जो बयान आ रहे हैं वो चैलेंज करें अखिलेश यादव को, वो यहाँ देखो। दिनेश भाई हमारे माननीय सांसद, मैं किसी भी दल में रहूं, मैं जनप्रतिनिधियों का, वैसे भी लोगों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा। देखो, चैलेंज करने को अब कोई किसी को बोले भाई, हम बोलने पे किसी के लोग रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सीट वो जीत नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी टू से, मगर यही सच्चाई है। आजमगढ़ का खुलासा नहीं हो रहा है, किसको ला रहे हैं? नहीं, अब ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे। आपकी तो बातचीत हुई है। नहीं, अब देखिए, अब हम जो चीज़ नेतृत्व का है उसमें हम लोग ना बात करें तो अच्छा है। ठीक सर।